हेलो दोस्तों, आप लोगों के लेकर आ गया हूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो मार्क्स के अंदर ये सीबीएसई के अंदर आ सकता है। टारगेट है दोस्तों हमारा सीबीएसई टर्म टू। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं करवाता रहूंगा, वन मिनट के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जिस तरीके की डायग्राम आपको दिया हुआ है, 60 डिग्री आपको गिवेन है और आपको पूछा गया है ओ क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। तो सोल्यूशन आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि थ्योरम 10.1 से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बहुत आसान हो जाता है लिखने का तरीका, क्या कि ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा भैया, ओ आर होगा। और ये क्या होगा हमारा, रेडियस होगा। अगर दो यहां पर साइड्स बराबर होती हैं ट्रायंगल की, तो इन ट्रायंगल OQR क्या हो जाएंगे, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। इस एंगल को कैसे निकालें सर, अगर ये पूरा दोस्तों कितना है 90 डिग्री है, तो 90-60 कर दिया जाए तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा हमारा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क का रहने वाला है। होमवर्क क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही दो मार्क्स के अंदर, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपसे पूछा गया भैया QPR का वैल्यू क्या होगा और आपको गिवन क्या है दोस्तों, आपको यहां पर गिवन है PQR का वैल्यू गिवन है दोस्तों। कितना, यहां पर आपको बता दूं दोस्तों कि PQR का वैल्यू आपको 70 डिग्री दिया हुआ है और आपसे QPR का वैल्यू पूछा गया, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। दिमाग लगाइएगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, जो कमेंट करेगा वो प्रो बनेगा। देखते हैं भैया कौन होता है सबसे पहले प्रो, कौन बनता है और इस पी एंगल का वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से सबसे करेक्ट आंसर कौन बताता है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी कमाल में। और टारगेट सीबीएसई टर्म टू हमारा रहेगा ही रहेगा, वो तो हमेशा है ही। वन मिनट सीरीज का कैसा आपको मजा आ रहा, आप रिव्यू कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर और एक क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी कमाल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।